इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि अब जो परीक्षाओं का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और आप लोगों को अगर लग रहा हो कि ये न्यूज़ फेक है या कैसी भी है, तो मैं इसकी आपको प्रमाण भी दे दूँगा। अभी मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हेडिंग ऊपर दी गई है, CBSE 12th बोर्ड 2021 परीक्षा रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, दिए गए हैं ये तर्क। यहाँ पर कुछ सार दिया गया है, इसको देख लेते हैं। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा एक विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग होने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। इसे रद्द करना छात्रों के लिए एक अनुचित निर्णय होगा। ठीक है, ये है याचिकाकर्ता की तरफ से बोला गया है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हमारी, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ पर भी डिपेंड हो सकती हैं आपकी परीक्षा या आपकी परीक्षाओं पर जो फैसला लेना है वो। क्योंकि अभी तक जो मीटिंग का बताया जा रहा था कि रमेश पोखरियाल निशंक मीटिंग करेंगे जितने भी BCs हैं उनके साथ में, तो यहाँ पर भी इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। क्योंकि जब CBSE बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन को लेकर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अब बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है लास्ट ईयर की तरह यहाँ पर भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं होते हुए कि शायद उस तरह ना हो जाए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केरल के एक शिक्षक हैं टोनी जोसेफ द्वारा एक याचिका दायर की गई है। आधिकारिक सूचना के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली जो कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है उसको रद्द करने के विरुद्ध में जनहित याचिका दाखिल की गई है। मतलब मंगलवार को क्या किया गया है कि एक शिक्षक हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, इनकी तरफ से इस परीक्षा को रद्द ना किया जाए ऐसा याचिका दायर की गई है। परीक्षा रद्द करना विद्यार्थियों के लिए अनुचित निर्णय होगा, ये इनकी तरफ से कहा गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के एक विद्यार्थी के जीवन का अभिन्न अंग होने के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। इसे रद्द करना छात्रों के लिए अनुचित निर्णय होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर बीते सप्ताह बोर्ड परीक्षा रद्द करने के लिए एक और दायर हुई थी याचिका, जिसमें पिछले हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में वकील ममता शर्मा द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में CBSE और काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा है उसको रद्द करने का अनुरोध किया गया। यहाँ पर अब दो चीज़ें हो गई, वो कह रहे हैं कि इनको रद्द ना किया जाए, ये कह रही हैं कि इनको रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार बोर्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथोलॉजी के जरिए विद्यार्थियों का अंतिम परिणाम तय करना चाहिए, इनकी तरफ से ये कहा गया है। ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका के विरोध में दाखिल की याचिका, ठीक है, जोसेफ द्वारा मंगलवार को अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के विरोध में नई याचिका दायर की गई है। जोसेफ का कहना है कि शिक्षाविदों और संस्थानों के प्रमुखों का एक बड़ा वर्ग परीक्षा आयोजित कराने के पक्ष में है। शैक्षिक विशेषज्ञों का ने कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए आयोजित की जानी चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार करना अनुचित होगा, क्योंकि 2021-22 शैक्षणिक वर्ष में शायद ही किसी शिक्षक ने छात्रों को शारीरिक रूप से देखा हो। तो इनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है, बहुत पेचीदा होता जा रहा है मुझे लग रहा है ऐसा। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है CBSE की तरफ से। CBSE ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड द्वारा अभी तक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। जब ऐसा निर्णय लिया जाएगा तो विद्यार्थियों को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ममता शर्मा है, इनकी तरफ से कुछ लेटर भी लिखा गया है मेरे ख्याल से PM के लिए। तो इनको मैं अभी आपको वो प्रमाण भी दिखा देता हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को पता लग जाए कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं और क्या क्या हो रहा है। मुझे अब बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो है, अब हमारा काम है क्या कि हम अगर कोई नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो उनका काम क्या है कि वो तारीख पे तारीख और ऐसे ही हम लोगों को मिलती रहती हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अभी यहाँ पर तो चलो CBSE बोर्ड की तरफ से ये CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये जो एडवोकेट है ममता शर्मा, लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को बताओ आलोक श्रीवास्तव ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। तो अब देख लेते हैं, पहले मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूँ।
ये है ममता शर्मा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। अगर आप लोगों को का ट्विटर अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ इसको बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इनकी तरफ से मैं आपको सारी ट्वीट्स दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अभी 5 घंटे पहले ही इन्होंने कहा है कि डियर ऑल रिक्वेस्ट यू टू यूज़ द बिलो मेंशनड ईमेल आईडी। इनकी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हैविंग ऑल द ईमेल्स एट वन आईडी। इस आईडी पे आप लोगों को ईमेल करना है जो भी आप लोग कहना चाहते हैं इनसे। वो नीचे इन्होंने रीट्वीट करते हुए कहा है कि डियर टीचर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स फील फ्री टू शेयर योर कंसर्न्स। आप जो भी कहना चाहते हैं बिल्कुल फ्री हैं आप लोग हर चीज़ बोलने के लिए। तो इस ईमेल आईडी पर आप लोगों को वो चीज़ आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। वो लेटर दिखा देता हूँ जो कि इनकी तरफ से लिखा गया है, लेटर सेंड टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिक्वेस्टिंग टू टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस ऑन इशू ऑफ क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन अक्रॉस अ नेशन। ये है वो लेटर, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको क्लिक करके शायद ये जूम हो जाए, ओके। तो ये लेटर आप लोग इसको पढ़ लीजिए, इनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। रिक्वेस्ट टू टेक इमीडिएट वही है कि आप लोग इनको रिक्वेस्ट की गई कि जो भी फैसला लेना है वो जल्दी से लीजिए। 19 तारीख को ये सेंड किया गया है। एक और 2 पेज का ये लेटर है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा। मैं इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है और ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला जो हैशटैग है कल ये बहुत ज़्यादा चलाया गया था। बाकी अब ये यहाँ पर सिचुएशन बन चुकी है। इनकी तरफ से एक वीडियो में भी बताया गया है, आप लोग इसको भी प्ले करके देख सकते हैं इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाकर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं डे बाई डे। तो सीबीएसई बोर्ड का तो ये हाल है। अब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस को लेकर अभी तक कोई ट्वीट या कुछ भी बातें सामने नहीं आ रही हैं। मैं आपको उनका भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल दिखा देता हूँ, रमेश पोखरियाल निशंक जी का। वो बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट कॉलेज एग्जामिनेशंस को लेकर कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा रमेश पोखरियाल निशंक जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ इनके द्वारा किया जा रहा है, बट आप लोगों के लिए या हमारे लिए कोई भी इनकी तरफ से ट्वीट या कोई भी कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। कल ये 27 मिनट पहले अभी एक ट्वीट किया गया है जिसमें कुछ बताया गया है। बाकी यहाँ थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया गया है, कोरोना संक्रमण के वर्तमान चुनौती का सामना करने के लिए विविध संस्थान अपनी सक्रिय भूमिका के साथ आगे आएं। मुझे खुशी है कि विशेष आग्रह ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन सिलेंडर 300 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने की प्रशंसनीय पहल की गई थी। किसी कुछ किया गया होगा, बट ये यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्वीट कुछ किया है इनका। और नीचे देख लेते हैं, कल एक मीटिंग ये रखेंगे, आई विल मीटिंग डायरेक्टर्स ऑफ IITs NITs IISERs and IISCs with an agenda of discussing COVID-19 management, online learning and the latest status of implementation of hashtag NEP2020 at 11:30 AM tomorrow. तो ये मीटिंग की जाएगी, बाकी आप लोगों के लिए कुछ भी अभी तक इनकी तरफ से नहीं किया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक ऑस्ट्रेलिया, कल एक ऑस्ट्रेलिया ये एक मीटिंग हुई थी, सच इनिशिएटिव्स विल हेल्प स्ट्रेंथ रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। कुछ ये मीटिंग आज हुई है, इसके लिए भी इनकी तरफ से बहुत सारे ट्वीट्स किए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बट कोई ऐसा ट्वीट नहीं है जिससे हम लोगों को कोई थोड़ी सी भी तसल्ली मिल सके। हाँ, तो ये तो है हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से सीन। देखते हैं क्या होता है, बाकी स्टे ट्यून्ड रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी जिस टाइम आएगी मैं आपको उसी टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझसे स्टे ट्यून्ड रहिए, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर नहीं किए हुए हैं कनेक्ट जल्दी से हो जाइए। टेलीग्राम पर मैं तुरंत ही सेंड कर दूंगा कुछ भी आता है उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।